ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਧੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। मुड़ महंगाई की गाज आम लोगों ते डिगी है ते पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों विच भारी उछाल आया है। कांग्रेसी लीडर ने महंगाई खिलाफ देशव्यापी रोस मुजहरे किए। दिल्ली विच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। कांग्रेस के महंगाई खिलाफ प्रदर्शन विच पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी सरगर्म नजर आए ने। अमृतसर विच नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आम लोगों के हक विच आवाज बुलंद की ते केंद्र सरकार नू निशाने ते लिया। वोटां आस नाल पाईयां सी, विश्वास नाल पाईयां सी, मिट्टी दे भांडे वांगू सारा विश्वास टुटिया पिया। लोगों के चूल्हे बलनों हट गए। वेखो MSP 35% वधी है पिछले 7-8 सालां च ते पेट्रोल डीजल 110% वध गया। करीब करीब 12 बार कीमतां वधा दित्तियां। एक साफ साफ गल है कि अमीर का चिराग जलने दो और गरीब की झोंपड़ी जलने दो। सांसद रवनीत बिट्टू ते गुरजीत औजला ने भी केंद्र सरकार ते शब्दी हमले बोले। बिट्टू ने कहा कि वोटा वेले चीजा सस्तियां कर दित्तियां जांदियां ने ते चोणा तो बाद कीमतां वधा दित्तियां जांदियां ने। अमित शाह जी ने ये सीधा कहा है भी हम दो थे दब नहीं डरे, आज तो हम 302 हैं, तो किसी के ऊपर 302 लगा सकते हैं, तो इसलिए लोगों के ऊपर वो ताकत जो 302 की है उसे यूज कर रहे हैं। 2014 में 410 और आज 2022 में 1050, कहां से आपका चूल्हा जलेगा? क्यों आप ये 302 की दोबारा जितनी देर दो पे आप नहीं लाते उतनी देर आपका कल्याण नहीं होने वाला। जो महंगाई बढ़ रही है वो इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है कि देश का हर नागरिक परेशान है। जो मजदूर है, जो डेली खाना खाने वाला है, जो मतलब दिल्ली की मजदूरी पे जाता है, वो कैसे गुजारा करेगा? 1000 के ऊपर सिलेंडर चला गया, 100 के ऊपर तेल डीजल पेट्रोल चले गए हैं। लेकिन इस समय सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ देख रही है। इतनी महंगाई हो गई है, एक आदमी कैसे जिंदगी जिएगा? चोणा तो बाद वधिया कीमतां ने नवीं सियासी चर्चावां छेड़ दित्तियां हन। हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि इस सियासी बयानबाजियां विच आम लोकां लई कोई राहत भरी खबर आवेगी जां नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? बिल्कुल अमृता, सब तो पहलों मैं दस दिया, एक छोटी जी एक उदाहरण तुहानू दे दिया कि एक दौर सीगा जदों विरोधी धिर जदों सरकार दे खिलाफ कोई विरोध करदे सीगे तां सरकार चिंतित हो जांदी सीगी, सरकार सोचदी सीगी, पर अज दा दौर तुसी देखो कि अज विरोधी धिर जिहड़े आ संसद दे बाहर बैठे ने, पूरे पंजाब दे विच, पूरे देश दे विच जिहड़ा ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ BBMP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
दस दिन पेट्रोल डीजल दे रेट वधे ने ते टोल जिहड़ा अज असीं होके आए अमृता मानावाला टोल प्लाजा है नियर अबाउट 15 to 16 किलोमीटर अमृतसर दे इर्द गिर्द तां उत्थे जिहड़ा है कोई दस नहीं कोई पांच नहीं कोई पंद्रह नहीं 30 रुपये तक का वाधा किया गया एक आम कार दे उत्ते यानी कि जिहड़ा हैवी वेट जिहड़ा ट्रक हुंदा है उहदे ते तां 100 तों वध है बट जिहड़ा आम जिहड़ा कोई व्यक्ति कार लैके जाएगा 25 to 30 रुपये जिहड़ा है वाधा कर दिता गया रोग जिहड़े ने उह करला रहे ने रो रहे ने पर केंद्र दे कन्नां तक जिहड़ी आवाज़ है हाले तक नहीं पहुंचदी जापदी जिवें कि सियासी लीडर भी यही कह रहे हैं कि चोणां तो पहलों जिहड़ा है गफ्फे दिते जांदे ने लोकां नूं 10-10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता किया जांदा है जदों चोणां लंघ जांदियां ने उह फिर उस ते फिर सरकार काम करना शुरू कर दिंदी है जिन्ना क घाटा पिया उन्ना क इकट्ठा करना शुरू कर दिंदी है जिवें कि असीं देख रहे हां तां लोकां ने यही कहा कि हुण 2024 आउण वाली है जदों दी लोकसभा जिहड़ी इलैक्शन आउणी है उदों तक हुण 2 साल सानूं रगड़ना ही है लगातार रेट इसे तरह वधने ते इसे तरह ही असीं पिसणा चाहे असीं दिहाड़ी छड्ड के अपने दिहाड़ी धप्पा छड्ड के असीं सड़कां ते बहि जाईए चाहे अपने आप नूं अग लगा लईए चाहे पिट स्यापा सरकारां दा कर लईए पर इह महंगाई घटण वाली नहीं है बिल्कुल बहुत शुक्रिया परम इस पूरी जानकारी दे लई धन्नवाद